नमस्कार में स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे कैमरा में लगतार फोकस करेंगे इस वक्त के सबसे सब बड़ी खबर पवन पांडे का ऑफिस में पहुंच रहा हूं सबसे सब बड़ी खबर देखिए पवन पांडे इस वक्त ऑफिस में हमारे साथ है। लाइव है बैठिए अरे क्या कर रहे हैं बाबा व्हाट्सएप चला रहे व्हाट्सअप चला रहे लेकिन सोशल मीडिया में आप कुछ दिन पहले में वायरल हो चुके थे खेसारी जी के छोड़कर पौन सी में चले गए थे क्या गाना हुआ अभी तक गाना नहीं आया क्या आने का समय आ गया सम में है क्या गाना आने का समय आ गया और आ। है, है आ। और जितने लोग देख रहे हैं आरती न्यूज को सबको नमस्कार है प्रणाम जितने लोग बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार बिल्कुल क्या कब तक आएगा पवन भाई के साथ जल्दी आएगा कितने दिन में गा... सावन, बा... नहीं, हाँ, सावन बाद, गवाए नहीं सावन अब गवाया नहीं है गाना गवाया जाएगा अब लंदन से आ गए हैं तो गवा ही जाएगा अच्छा सुनने में सूत्र के हवाले से खबर है कि आप पवन पवन सिंह के जो प्रोग्राम करवाए हैं दो तारीख आप ही के द्वारा हुआ है नहीं नहीं हम नहीं कराए हैं वो उनकी अपना कोई अप्रोच वाले लोग हैं वो कराए हैं कलकत्ता में दो तारीख को है तो ये सूत्र जो है जो गलत है हाँ गलत है ये ये सूत्र आपका गलत है चलिए होता है कभी कभी इसीलिए हम लोग जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं कि पवन पांडे की ये कार्यक्रम है कि किसका है इसीलिए हम लोग पहुंच के, के खबर जरूरी है कि ए, क्लियर दिखाना जरूरी है कि दूध के दूध और पानी के पानी हो जाना चाहिए क्योंकि पवन सिंह के भी ए, खेसारी जी का भी गाना आ रहा है क्या खेसारी जी का भी आ रहा है गाना खेसारी जी से तालमेल बन गया गाना देखिए हम तो पहले ही बोले थे कि हम कंपनी के लिए गाना लिखते हैं तालमेल किसी से, से मेरा खराब थोड़ा है पवन जी को चाहिए लेकिन काफी दिन से बातचीत बंद रहता है भैया देखिए अब तो कंपनी के गाना दिया जाता है सब कलाकारों से के हैं हम गाना के के कितना लेते कंपनी द्वारा कितने गाना के द, द, पैसा पैसा देखिए लिए गाना नहीं लिखते हैं हम प्रेम भाव के लिए लिखते है और खूब पैसे दे दिया जबरदस्ती चढ़ रही है कंपनी तो वैसे हम काम नहीं हाँ। करते प्यार मोहब्बत से गाना लिखते हैं और गाना का मेरा कोई रेट नहीं है क्योंकि गाने का रेट क्या है जब जैसा तब तैसा जैसा देखिए अब हम लोग सरस्वती पुत्र हैं और इसका रेट आदमी का प्रोफेशन है बिजनेस है बिजनेस में पैसा जरूरी है लेकिन कोई एक एवरेज रेट नहीं है कि ये है जो भाई जैसे होते हैं जैसे कंपनी होते हैं उनसे पच्चीस हजार भी गाना का लिया जाता है पंद्रह हजार भी लिया जाता है मज़्दूर, मजदूरी के मजदूर चा, चाहिए ना मजदूरी तो देखिए जो अगर बड़े लेवल के कलाकार हैं और बड़ी कंपनी है तो उन लोगों का पंद्रह से पच्चीस हजार गाना में कितना अधिशक्ति के द्वारा मिला है कितना पे डील हुआ है बता दीजिए क्लियर गाना का आदि शक्ति हाँ। देखिए आदि शक्ति मेरा मित्रता है उनसे उनकी वो कंपनी उनकी नहीं मेरी भी कंपनी है और एक जैसे हैं तो उसमें पैसा का को कोई डीलिंग नहीं तो पवन पांडे को कहें कि खेसारी जी और पवन सिंह के दोनों आदमी के आप राइटर हैं ये सही है। <laughs> आप सबके राइटर है आपको गाना कहते हैं के भी राइटर है आपके समर सिंह के भी राइटर हैं आपको ये अंकुश राजा के भी राइटर हैं, राकेश मिश्रा जी के भी राइटर हैं सबके राइटर हैं किसी पर्सनल कलाकार को नहीं रहे राइटर सबके लिए है जब राइटर है तो सबके लिए है कुछ तो दिन पहले तो बवाल झूठ मुठ का हो गया था ना भैया बवाल कुछ नहीं गया क्या हम खबर थोड़ा चला दिए कि बवाल हो गया उतना बवाल होना जरूरी था चलिए होते रहता है क्योंकि देशों दुनिया में जानना जन, जरूरी है और वही खबर का अवसर है कि खेसारी लाल यादव इनसे बातचीत किए ये बताएंगे या नहीं बताएंगे उससे मतलब नहीं है वही खबर का अवसर है खेसारी जी के बात सही है कि नहीं सही है चारी? जो हम खबर चलाए थे आ कि आप खेसारी जी के छोड़कर पौन सिंह में चले गए वही अवसर है कि फिर दोबारा आप इंट्री कर गए नहीं नहीं देखिए खेसारी जी गांव से हैं हमारे भाई हैं और मैं जान रहा हूं भाई तो कभी भी गांव से है कभी भाई रहेंगे हमेशा भाई रहेंगे उनसे गाने का रिलेशन थोड़े उनसे घर का रिलेशन है। और इसे घर का रिलेशन प्रोफेशन लेकिन एक्शन में आ गए कौन भाई, भाई हमारा खिसिया गया क्या बात नहीं देखिए हम लोग हम लोग जी का एक ऐसा मित्रता है कि हम रुटते हैं मनाते हैं वो भी रुटते हैं मनाते हैं ऐसा है और लगता है कि उनको लग रहा है कि वो मैं थोड़ा सा नाराजगी हूँ तो खेसारी जी कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते हैं हमेशा बात होती है पब्लिकली कोई जरूरी है कि हम लोग बात करके रिकौर्ड रिकॉर्डिंग उसको वायरल करें हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो फोटो खिंचवा कर डालें और फोन को ट्रेक करें कि हम आज खिंचवाएं यहाँ मिले हैं वहाँ मिले सब कुछ अभी फिलहाल कहाँ मुलाकात हुआ है खेसारी जी से अभी फिलहाल कहीं नहीं मुलाकात हुआ है अभी मुलाकात अभी कहीं मुलाकात नहीं हुआ कहीं जाएंगे तो मुलाकात होगा बातचीत फोन पर फोन पर तो बातचीत होते रहता है क्या बोले तो बातचीत काम का सिलसिला में होता है क्या गाना में? के बारे में क्या बोले हैं? <coughs> कुछ कंपनियों का गाना था जिनको कंपनी पेमेंट वेमेंट दिए लोग गाना कर रहे हैं उसके लिए बात हुआ है तो अपना काम कर रहा है जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उसके बारे में क्या बोले कि क्या बाबा हमारा के छोड़ देनी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला बिल्कुल बोले होंगे कि बाबा कहा हमारा के छोड़ा तो नहीं ये गलत चीज़ है खेसार जी कभी इस बारे में कुछ नहीं बोले अच्छा चलिए ठीक है गांव के हैं खेसारी जी और भैया भी गांव के हैं और लगातार यानी पवन सिंह के गाना बहुत जल्द आने वाला है यानी पो, पवन सिंह पवन पांडे के ए, राइटिंग के द्वारा और आदिशक्ति से आएगा भैया ना आदिशक्ति से आएगा बेब से भी आएगा अब देखिए दो तीन गाना है जिस जिस कंपनी से आ जाए से भी कंपनी सर वेब से गाना एक बना है अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो डिवेट डिट दोनों गाना डिबेट है एक स्लो है हाँ। किसके साथ डिबेट है अब शिवानी शिवानी सिंह सिंह ना देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर यानी सिंह के साथ ज, जल्द यानी शिवानी सिंह के गाना आ सकता है बाबा के राइटिंग के द्वारा ये सबसे बड़ी खबर है कोई कंट्रोवर्सी नहीं कोई नहीं ये खबर है कि दोनों आदमी के राइटर है पवन पांडे यानी पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के यानी सभी कलाकार के लिए क्या भैया सब किसी के सब लोग से कमाना है एक सब किसी से कमाना है अच्छी बात है सब लोग से पैसा आएगा तो और और ज्यादा आएगा। आएगा हाँ, सब का तो बुंदे -बुंदे भरेगा। <laughs> <laughs> बाबा इस समय खुश अच्छा लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी बहुत हो गया था कि खेसारी लाल यादव के राइटर और पवन सिंह के साथ चले गए हैं ऐसा कुछ बात नहीं है पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक है तो ये बाबा एक नहीं है सब एक है <laughs> हम आपको बोले थे आ, मेरे इंटरव्यू का असर है दोनों लोग एक हैं हम आपको बोले थे ना कि दोनों लोग एक होंगे एक हो गए चलिए अच्छी बात है लेकिन चलते चलते एक गाना होना चाहिए आपके द्वारा भैया हमारा दर्शकों को कि दिल दीवाना धर के तहरा प्यार में और हनी जब से बने लगल डर में अघायल कैले बारू टुकवार में ओढ़नी जब से बने लगल डर में ये तो ए, ये खेसारी जी के गाना हुआ लेकिन पवन के भी होना चाहिए एक गाना आप गवाए हैं जरूर गवाए बहुत सारा गाना गवाए एक कैसे गाना गवाए चोरी हो जाएगा वो वाला कि दे नया नहीं, नहीं गाएंगे जोरीली जोर जो गए गए कि दे ना दिल लोढ़नी से निकाल के अरे रखब कर जा जैसे के संभाल के दे दाना दिल लड़नी से निकल के पवन पांडे के जो सैड सॉन्ग आता है दिल छू जाने वाला आता है आप लोग ये गाना गा रहे थे लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था ये सैड सॉन्ग सुनकर लेकिन मैं चाहूँगा कि एक सैड सॉन्ग मेरे लिए की ता कि ताकि अच्छा लगे लोगों को कि किस्मत हर किस्मतगा बतिया के सुन लगार से कि बसे तने करिए राम जी दिल लगे नब के हुआर से क्या बाबा इतना अच्छा गीत गाते हैं आप भी कम से कम एल्बम लाते रहें एकदम आपके कंपनी के लिए गाएंगे कि <laughs> आरती <laughs> म्यूजिक वर्ल्ड के लिए बाबा गाएंगे ये तो हम लोग का आशीर्वाद हमेशा देते हैं अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा ही आशीर्वाद हम लोग लेते हैं हर कलाकार लोग देते हैं और अच्छा लगता है बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार आरती न्यू लाइव पटना बिहार